आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट ईयर का जो डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग हुआ था उसमें मिनिमम कितने मार्क्स तक और मैक्सिमम कितने ऑल इंडिया रैंक तक जनरल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था उसको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं अनुराग कुशवाहा, बीएमएस स्टूडेंट, एनआई जयपुर राजस्थान। सबसे पहले दिल्ली के कॉलेज लेंगे और उसमें है चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक संस्थान जो है न्यू दिल्ली में, और उसका जो मिनिमम मार्क्स जनरल को रिक्वायर्ड था उसमें 583 प्लस, ओबीसी को 587 प्लस, एससी को 477 प्लस और एसटी को 465 प्लस पे मिला हुआ है। देखो एक दो नंबर के इधर उधर हो सकता है लेकिन इतना तक जरूर, मतलब इतना मिनिमम मार्क्स जरूर रहा है। ऑल इंडिया रैंक जो रहा है जनरल के लिए 27,990, ओबीसी को 26,706 और एससी को 1,18,109 और एसटी को 1,37,422। यहाँ ये ऑल इंडिया रैंक रहा है और ये मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक रहा है। देखो ये मार्क्स जो मैंने डिसाइड किया है, स्कोर जो डिसाइड किया है, अपने कॉलेज के स्टूडेंट के जो रैंक है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके, तो एक दो नंबर के इधर हो सकता है लेकिन ऑल इंडिया रैंक जो है आप अपने जो काउंसलिंग का पीडीएफ है उसमें आप मिला सकते हो। ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तीनों का कंबाइंड रूप से बता रहा हूँ। सेकेंड है आपका आयुर्वेदिक एंड यूनानी टीबिया कॉलेज, आयुर्वेदा इंटरनल कोटा के थ्रू है, करोल बाग न्यू दिल्ली में जो है। देखो इसमें जनरल को मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड थी 591 प्लस, ओबीसी को इस ओबीसी का शायद इसमें कैंडिडेट नहीं आया था, एससी का 490 प्लस और एसटी का 468 प्लस। अब देखो जनरल का जो ऑल इंडिया रैंक जो रिक्वायर्ड थी इसमें एडमिशन के लिए, देखो ये जो कॉलेज है टीबीए कॉलेज इसमें इंटरनल कोटा और डीयू कोटा एक चलता है और एक ऑल इंडिया काउंसलिंग से ऑल इंडिया कोटा चलता है। तो ऑल इंडिया कोटा का मैं बता रहा हूँ, ये डीयू कोटा का मैंने रैंक या नंबर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डीयू कोटा से बहुत ज़्यादा हाई रैंक तक को मिला है और जो दिल्ली के हैं उन्हीं को ये बेनिफिट है, लेकिन मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग से जो गए हैं उनका मैं ये बता रहा हूँ। इसमें जनरल कैटेगरी को जो सब हाईएस्ट रैंक तक मिला हुआ 23,393 ऑल इंडिया रैंक, और एससी को 1,05,848 यानी कि 848 और एसटी को 1,34,392 ये यहाँ तक क्लोजिंग रैंक तक मिला हुआ है। थर्ड है राजस्थान का कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान में जो है, उसके लिए जनरल को मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड थी वो 580 प्लस, 579 प्लस ओबीसी को और एससी को 475 प्लस और एसटी को 465 प्लस। ये ऑल इंडिया रैंक जो मैक्सिमम जहां तक अलॉट हुई है वह है 30,770 और ओबीसी को 30,921 और 1,19,205 ये एससी को और 1,47,917 ये है एसटी को, यहाँ क्लोजिंग रैंक तक मिला हुआ है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्ड में ये एडमिशन मिला है। ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जो कि मैंने पहले ही बताया, ये कंबाइंड रूप से मैं बता रहा हूँ ये मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक। फोर्थ कॉलेज जो है एमएम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय राजस्थान उदयपुर में जो है, उसके लिए जनरल कैटेगरी को मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड 592 प्लस, ओबीसी को 593 प्लस, एससी को 494 प्लस और एसटी को 470 प्लस। और ऑल इंडिया रैंक जो रहा है जनरल के लिए रहा 23,024, ओबीसी के लिए 22,772, एससी के लिए 91,997 और एसटी के लिए रहा है 1,28,867 यहाँ तक क्लोजिंग रैंक रहा है जो एमएम उदयपुर, जो उदयपुर का कॉलेज है उसके लिए। नेक्स्ट कॉलेज है श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र हरियाणा, इसका जो मिनिमम मार्क्स जनरल के लिए रिक्वायर्ड था जो जहाँ तक अलॉट हुआ था जनरल के लिए 587 प्लस, ओबीसी के लिए 584 प्लस, एससी के लिए 475 प्लस और एसटी के लिए 471 प्लस। और इसका जो मैक्सिमम रैंक जो जनरल के लिए अलॉट हुआ था 25,851 तक, ओबीसी के लिए 27,635 तक और एससी के लिए 1,20,209 और एसटी के लिए 1,23,692 तक ये हरियाणा कॉलेज के लिए मिला हुआ है।
नेक्स्ट है राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड परोला हिमाचल प्रदेश का जो कॉलेज है उसके लिए जनरल के लिए मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड थी वो है 578 प्लस, ओबीसी के लिए 576 प्लस, एससी के लिए 465 प्लस और एसटी के लिए 460 प्लस तक यहाँ तक रिक्वायर्ड था। मैक्सिमम रैंक जहाँ तक एडमिशन मिला है वो है 33,000 जनरल के लिए 33,503, ओबीसी के लिए 34,899 और एससी के लिए 1,37,922 और एसटी के लिए 1,40,966। ये क्लोजिंग रैंक रहा है मैक्सिमम इतने रैंक तक लास्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन मिला है, इसका ध्यान रखना ये लास्ट ईयर का है। और कई सारे कॉलेज में ऐसा आपको देखने को मिला है कि ओबीसी का कम ज़्यादा मार्क्स रिक्वायर्ड हो गया है और कम रैंक तक को मिला है, ऐसा इसलिए क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट्स जहाँ पे भी ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं इसलिए ओबीसी का कटअप ज़्यादा चली जाती है, तो इसमें ज़्यादा इधर उधर मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा है जिस कॉलेज में जैसा लास्ट एडमिशन मिला है वैसा ही इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट कॉलेज जो है वेस्ट बंगाल का जे बी रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता वेस्ट बंगाल, इसका जो जनरल के लिए मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड थी 580 प्लस, ओबीसी को 577 प्लस, एससी को 572 प्लस और एसटी के लिए 430 प्लस तक को मिला हुआ है। मैक्सिमम ऑल इंडिया रैंक जो था जनरल को 30,930, ओबीसी को 33,729 और एससी को 1,23,850 और एसटी को मिला था 1,86,567 तक, ये ऑल इंडिया रैंक तक जेबी रॉय मिला हुआ था। नेक्स्ट कॉलेज है पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश एमपी का ये कॉलेज है, इसने जनरल को मिनिमम मार्क्स 574 तक प्लस, 571 ओबीसी के लिए प्लस और एससी के लिए 445 यानी 445 प्लस को मिला हुआ है एससी को, एसटी का कैंडिडेट नहीं था। ऑल इंडिया रैंक जो जनरल के लिए रिक्वायर्ड था 36,364, 35,587 ओबीसी को, 1,51,884 ये ऑल इंडिया रैंक रहा एससी के लिए, यहाँ तक लास्ट ईयर के काउंसलिंग में मिला हुआ है पंडित खुशीलाल जो भोपाल का कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ उत्तर प्रदेश का है, जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है जनरल के लिए 588 प्लस, ओबीसी को 590 प्लस, एससी को 474 प्लस और एसटी के लिए 470 यानी 470 प्लस यहाँ तक मिला हो यहाँ तक रिक्वायर्ड था। और ऑल इंडिया रैंक जो क्लोजिंग रैंक रहा है जनरल के लिए 25,155, 24,108 था ओबीसी के लिए, 1,17,054 एससी के लिए और 1,34,199 ये एसटी के लिए रिक्वायर्ड था, यहाँ तक क्लोजिंग रैंक तक मिला हुआ था। लास्ट कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना बिहार, इसका मिनिमम मार्क्स जनरल के लिए रिक्वायर्ड था 579 प्लस, ओबीसी के लिए 579 प्लस, ओबीसी के लिए 575 प्लस, एससी के लिए 572 प्लस और एसटी के लिए 491 प्लस। जो क्लोजिंग रैंक रहा है ऑल इंडिया रैंक मैक्सिमम कितने रैंक तक को मिला हुआ है वो है जनरल के लिए 32,387, ओबीसी के लिए 35,935, एससी के लिए 1,27,747 और एसटी के लिए 97,500। ये एसटी का थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो चुका है, गड़बड़ नहीं मतलब इतना तक मिला हुआ है, मैं तो सही हूँ लेकिन ज़्यादा रैंक तक मिला हुआ है एससी को और कम रैंक तक को मिला हुआ है एसटी को, वो है 97,582 तक मिला हुआ है। ये 10 कॉलेज हैं जिनका मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें प्रीफर करते हैं जाना, पढ़ाई भी सही चलता है। रेस्ट जो भी साउथ के कॉलेज रहे या महाराष्ट्र के कॉलेज रहे उनका नहीं लिया मैंने, इसलिए गुजरात का भी कॉलेज नहीं लिया क्योंकि उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। जिसको भी रिक्वायर्ड होगा किसी स्पेसिफिक कॉलेज का कितने तक मिलेगा वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, मैं आसानी से रिप्लाई कर दूंगा उसका कि हाँ कहाँ तक मिला हुआ है। लेकिन ये कॉलेज मेरे अकॉर्डिंग सही है, ये अगर आपके मार्क्स इतना तक आपका रैंक आता है तो आपको जरूर अलॉट हो जाएगा अभी 20 में और रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अभी मार्क्स केवल पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, इसलिए हमें कोई डिसाइड प्रिडिक्शन कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट कोई भी नहीं बताएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बीएचएमएस का काउंसलिंग का जो कट ऑफ है या चाहे जो भी कॉलेज है कितने रैंक कितने मार्क्स तक मिले हुए हैं उसको मैं बताने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू सो मच।